हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीबन 7:30 बज रहे हैं और आज तारीख है 20। कल 19 तारीख थी और आध्या का जन्मदिन था। और आपको पता ही है, ये जो अप्रैल का महीना होता है इसमें 3 जन्मदिन पड़ते हैं। सबसे पहले दक्ष का पड़ता है, आध्या का पड़ता है, फिर उसके बाद 21 तारीख को मेरे हस्बैंड का जन्मदिन पड़ता है। आज है 20 तारीख, यानी कल है मेरे हस्बैंड का जन्मदिन। तो मैंने 12 बजे सेलिब्रेट करने का ऐसा कुछ नहीं प्लान किया है, सोचा था करूं, लेकिन बच्चे के रहते छोटा बच्चा है और भूख बहुत तेज होती है, दोपहर में कहीं निकलना यहाँ आसपास है भी नहीं, लोकल में मार्केट के लिए जाना पड़ेगा, ऑटो लेना मुश्किल है यहाँ पर, ऑटो मिलता ही नहीं, दोपहर में तो बिल्कुल भी मिलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सब जो रात में करते हैं ना, जो मैं भी करती थी, चॉकलेट लाना, छोटा सा केक लाना या फिर पुडिंग लेके आना, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाली हूँ, बट कल देखते हैं, कल क्या जितना होगा मुझसे उतना मैं करूँगी। कल है उनका जन्मदिन और एक महीने में 3-3 जन्मदिन पड़ जाते हैं, साथ साथ राखी भी आई थी उसका भी जन्मदिन पड़ गया, 4 हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही हो गया। खैर, मुझे तो नहीं पता था, मैं आध्या से कहने वाली थी कि आध्या पापा का जन्मदिन आ रहा है, कल है, तो पापा के लिए कार्ड नहीं बनाओगे अच्छा सा? उसने पहले ही बना लिया। मैं जब बोलने आई तब उसने इनको ड्रॉ कर रखा था, पेंट कलर नहीं किया हुआ था, बट उसने मुझे बताया मैं वही तो कर रही हूँ पापा के जन्मदिन के लिए। उसको याद था कि कल 21 है और कल पापा का जन्मदिन है, तो उसने ये प्यारा सा कार्ड जैसा बनाया है, मतलब पन्ना है ना, पेपर है, इस वजह से कार्ड बनाया है, बहुत ही प्यारा सा। अब मैं सोच रही हूँ एक दफ्ती में जो वो होती है क्या, कार्डबोर्ड में था ये, अपनी लोकल लैंग्वेज जो बोल दिया मैं दफ्ती, कार्डबोर्ड में इसको चिपकाऊंगी तो ये थोड़ा टाइट सा दिखेगा। तो अब ये देखिए, इसमें इसके पापा चश्मा लगाए हुए, साइड में मैं हेयर स्टाइल बनाई हुई, उस मेरे ही बगल में दक्ष खड़ा हुआ है छोटा सा मेरी फिंगर पकड़े हुए, और ये आद्या चुलबुली सी फ्रॉक पहने हुए, छुट्टी बनाए हुए, अपने पापा को हैप्पी बर्थडे कहते हुए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है उसने हैप्पी बर्थडे, और इसने अपने आप से ही लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। हैप्पी की स्पेलिंग सिखाती थी, बर्थडे की भूल रही थी तो वो मैंने बताई है। एंड बलून्स बनाए हैं, केक बनाया है, कैंडल बनाई हुई है, ये देखिए, ये इसने ये प्यारा सा एक कार्ड बनाया हुआ है, अच्छा लग रहा है ना? थैंक यू आद्या। रखो, अभी मैं इसको उसमें चिपका दूंगी, ठीक है? सो गाइस, वीडियो तो मैंने आज से शुरू किया है, अभी आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आज से आज पूरा ब्लॉगिंग मैं करूँगी नहीं, मैं कल ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी कुछ स्पेशल है नहीं करने के लिए। हो सकता है कि मैं जब रात को 12 बजे उनको मिस करूँ तो वो छोटी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँ, हो सकता है। सो वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है? सो कल सरप्राइज प्लान करते हैं, कुछ। और आध्या के जन्मदिन के लिए जो यहाँ पे लगा हुआ था ना, सारी झालरे और हैप्पी बर्थडे सब दक्ष ने तोड़ दिया, एक दिन नहीं रखा है, सब बेकार कर दिया है। मैं सोचता था इसको डेकोरेट रहने देंगे। और हाँ, आध्या के जन्मदिन पे ना बलून भी लिए थे हार्ट शेप के, बट एक भी नहीं फुला पाए क्योंकि मैं बिजी भी थी और दूसरी चीज़ ये मुझे यहाँ से याद भी नहीं रहा, निकल गया, भूल गया, क्योंकि आध्या को वैसे भी बलून से डर लगता है, इसलिए मैंने वो बलून्स मंगाए थे दक्ष की वजह से ताकि वो खुश हो, और 2-4 बलून फुलाए भी थे बट वो खेल रहा था दक्ष से, वो फूट गए, तो अब मैं नहीं लगा पाई, तो वो बलून्स भी रखते हैं हाथ से व्यक्ति लगाती हूँ, तो गुस्सा हो रहा है। क्या है ये कह रहा है, मेरी टीवी क्यों बंद म्यूट कर दी गई है, टीवी में आवाज़ क्यों नहीं है? तो मैं वही करने जा रही हूँ। सो गाइस, यही अपडेट देनी थी मुझे आपको कि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है 21 को और आज 20 है और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ है। खैर, चलिए शाम को यानी रात को 12 बजे जब उनको मिस करेंगे तो थोड़ा सा शायद कैप्चर करेंगे। ये बच्चा तो सो जाएगा, ये बदमाश बच्चा सो जाएगा, उसको सोना भी चाहिए, है ना? टाइम पे सोना चाहिए ना बाबू? आजकल मेरे हस्बैंड ना रात को डिनर ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल से आता हूँ तो मुझे भूख बहुत तेज लगती है, इसी बार वो स्कूल सब जाते हैं, सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके जाते हैं, टिफिन नहीं ले जाते हैं, 2:30 बजे तक आते हैं, तो उनको भूख बहुत तेज लगती है, तभी मैं गर्म गर्म रोटी या पराठा जो भी बनाना होता है वो बनाती हूँ, सब्जी बना कर रख लेती हूँ, तो मैं उनको देती हूँ। वो इतनी स्पीड में खाना खाते हैं
कि मैं क्या बताऊँ, इतनी स्पीड में खाएंगे, बोले तो प्रियंका कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ ज्यादा ही हो गया। हर बार ही होता है, अभी शाम होते ही जब वो चाय पियेंगे शाम की, तो उसके बाद बोलेंगे प्रियंका खाने की इच्छा नहीं हो रही है, थोड़ा मोड़ा बना दो। सो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए तहरी बना लूंगी, अगर उनका मन होगा तो खा लेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए तहरी मैं बनाऊंगी अपने लिए, दो बच्चे ही खा लेंगे, क्योंकि मैं और बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते इस तरीके से। उन्होंने तो खा लिया, 2:30 बजे तो खा लिया है, जो भी है। और अभी मैं इस वीडियो यहीं पर रुकती हूँ, आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी होगा, ठीक है। हो सका तो मैं कल कंटिन्यू करूंगी इसी वीडियो में, हो सकता है इस वीडियो को एंड करके, मतलब इतना ही छोटा सा ही अपडेट देकर, और मैं कल वीडियो कैंसिल करूँगी। ये देखो आद्या भी सर आद्या शुरू हो गए, आद्या भूला भूला, ये देखो कैसे वाला, हाथ वाला भी करो करो करो, दोनों बच्चों के साथ में। वैसे तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि मैं मार्केट जाकर ना ला पाऊँ, या जो जो औरतें और बहुत ही औरतें हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हैं हस्बैंड का, तो जाती नहीं है, लाती नहीं है, खूब लाती हैं, खूब सारा करती हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से ऑटो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत देर तक धूप में खड़ा रहना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा सा है, नहीं तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करती। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, अपनी एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जब इनका पहला जन्मदिन था, शादी के बाद है, क्योंकि शादी के बाद ही तो मेरे सामने इनका पहला जन्मदिन हो गया ना। सो जब इनका पहला जन्मदिन था तो मुझे पता लग गया था, साल भर के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ जान ली थी इनसे, कि इनको हिंदी में हैप्पी बर्थडे की बजाय जन्मदिन मुबारक हो ये कहना, मतलब अच्छा लगता है, मैं सुनना अच्छा लगता है, बोलना भी अच्छा लगता है, जन्मदिन की 150 बधाई है, ये तो हिंदी सब हिंदी भाषा इनको बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से पसंद है। सो मैंने क्या किया था, जब मैं मायके गई हुई थी तो वहाँ से एक छोटा सा फ्रेम बनवा कर लाई थी, जिसमें इनकी पिक्चर्स थी, कुछ टैडीज थे, और हार्ट था, केक था, कैंडल लगी हुई थी, फ्लावर्स थे, इस तरीके का एक मैंने छोटा सा फ्रेम बनवाया था, वो इनको गिफ्ट में दिया था। और इनको शायद एक टी शर्ट दी थी, शायद मुझे, अच्छा भूल गई हूँ मैं, और क्या दिया था मैंने इनको, हाँ एक कार्ड दिया था मैंने इनको, जिसके अंदर मेरी और इनकी पिक्चर्स लगी थी, और उस कार्ड में बाहर से लिखा था जन्मदिन मुबारक हो, ये शायद, या फिर ये लिखा था जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक। तो वही मैंने इनको दिया था, और वो कार्ड अभी भी रखा हुआ है, हो सकता है जालौन में ही रखा हो, मेरे पास शायद रखा हो, मुझे याद नहीं है, बट ये होती है इंडियन मॉम की लाइफ, है ना, दो बच्चे के साथ में। ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, चुम नो बाबू। सो चलिए अभी मैं इस वीडियो को ये रोकती हूँ, और जो भी थोड़ा सा कैप्चर करूंगी तो मैं इसके साथ में इंक्लूड करूंगी और आपके साथ शेयर कर दूंगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आज है 21 तारीख, और कल रात को मैंने बिल्कुल ही सूट किया था, पता है क्यों, क्योंकि करीबन 11:30 बजे ये सो गए थे, और मैं ये देख रही थी कि ये सो जा रहे हैं, सो रहे हैं, सो फिर मैं जाग के लिए इंतजार किया, एंड 12 जैसे ही बजे मैंने, बच्चे सो गए थे दोनों, लाइट ऑफ थी, कूलर चल रहा था, तो मैंने हल्का सा इनको ऐसे जगाया, उन्होंने बस हो, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं इनको अगर नींद से जगाओ, क्योंकि सुबह ये 5 बजे उठते हैं और अपने काम शुरू करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, फिर ये स्कूल जाने की पूरी तैयारी करने लगते हैं, तो मैंने इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, सो गए थे, और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, सच बात तो यही है, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा है। सो मैंने क्या किया कि इनको धीरे से ऐसे हिलाया, और ज़रा सी आवाज़ आई हाँ, तो मैं इनसे हैप्पी बर्थडे बोला, इन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला, और उसके बाद ये फिर सो गए, फिर मैंने इनको डिस्टर्ब ही नहीं किया। और अभी जब सुबह जा रहे, मतलब सुबह जब उठे, तब मैंने इनको विश किया है अच्छे से, और चले गए हैं वो स्कूल, अब वो आएंगे अपने टाइम पे स्कूल से, तो आज देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्या प्लान करती हूँ, तो वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक ब्लॉग में,
नेक्स्ट ब्लॉग जो मेरा होगा सो इंतजार करना नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पा रही वीडियोस की, सो देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ चिट चैट की है, आपसे अपने मन की दिल की सारी बातें कही हैं, जो मेरा मन किया वो सब चीज़ मैंने आप लोगों से कही है अपने हस्बैंड के बर्थडे के उपलक्ष में, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्यार दीजिएगा, बाय।